हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का GHWorld के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए चलते हैं। कल हम लोगों ने राज्यपाल कंप्लीट कर लिया था, आज उसके आगे हम लोगों को मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता पहले कंप्लीट करके तब हमारी कार्यपालिका समाप्त हो जाएगी। अभी ठीक हो गया होगा, खरखर की आवाज़ आ रही, देखिए ज़रा चेक करिए वॉइस। और उसके पश्चात फिर आज क्लास आपकी जो है 1 घंटे की होगी, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत कार्यों से मुझे कुछ बाहर जाना है आज, तो 1 घंटे की क्लास आपकी रहेगी। तो चलिए सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले टॉपिक है मुख्यमंत्री। नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ और त्यागपत्र, ये पहली बेसिक बातें हैं। तो फ्रेंड्स, आपने प्रधानमंत्री को पढ़ लिया है, और प्रधानमंत्री को पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं दिक्कत आना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। केंद्र में जो भूमिका प्रधानमंत्री की है, राज्यों में वही भूमिका मुख्यमंत्री की है, और प्रधानमंत्री का केंद्र में जो संबंध राष्ट्रपति के साथ है, राज्यों में मुख्यमंत्री का वही संबंध राज्यपाल के साथ है। रिलेशन ये दिमाग में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री का जो संबंध संसद के साथ है, मुख्यमंत्री का वही संबंध राज्य विधानमंडल के साथ है, और प्रधानमंत्री का जो संबंध विधानसभा के साथ है, मुख्यमंत्री का वही संबंध किसके साथ है, आपका विधानसभा के साथ है। अब इस तुलना के साथ पढ़िए तो देखिए, प्रधानमंत्री के बाद इसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अनुच्छेद आपको जानना है कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा किस अनुच्छेद के तहत, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 164 के तहत। जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दे, नहीं, बहुमत दल के नेता को, किसको, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को। और यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो तब राज्यपाल अपने विवेक से सबसे बड़ी वाली पार्टी में से किसी व्यक्ति को क्या बनाएगा, किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। और जब इस प्रकार से मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी तो एक माह के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। यह नियुक्ति के संबंध में होगा। अंतर क्या दिखा, कोई व्यवस्था में अंतर दिखा, कुछ भी नहीं सर, केवल बस यहां राज्यपाल कर रहा, वहां राष्ट्रपति किया था, वहां 75 के तहत था, यहां 164 के तहत है, बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना बताया था, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, तो मुख्यमंत्री का भी कार्यकाल सामान्यतः कितना होगा, 5 वर्ष होगा। लेकिन व्यवहार में इनका कार्यकाल तब तक माना जाता है जब तक विधानसभा में इनका बहुमत हो, विधानसभा में इनका बहुमत हो।
शपथ की बात किया जाए तो इनके किसके समक्ष अपना शपथ लेते हैं? प्रधानमंत्री किसके समक्ष लेता था? प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति के समक्ष लेता था, तो मुख्यमंत्री किसके समक्ष लेगा? राज्यपाल के समक्ष लेगा, राज्यपाल के समक्ष लेगा। और बात यदि त्यागपत्र की जाए, अगर 5 साल से पहले अपना पद ये छोड़ना चाहता है तो किसी भी समय राज्यपाल को त्यागपत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है, अपने पद से मुक्त हो सकता है। इसे नोट करिए, फिर मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां बताते हैं। इसे नोट करके ओके बोलिए आप लोग। अंतर कुछ नहीं, बस केवल तुलनात्मक रूप से जो प्रधानमंत्री ने आपने पढ़ा वही चीजों को, फिर भी मैंने सारे पॉइंट्स उतने ही लिखे जितने आपको मैंने प्रधानमंत्री में बताए थे। अब उसके बाद मुख्यमंत्री की कार्य एवं शक्तियां होंगी, पहले इसे नोट कर लीजिए, नोट करके बताइए। सर, प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर भी मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेगा? हाँ आरती जी, प्रेसिडेंट जो है वह मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य है, जबकि जो राज्यपाल होता है उसके पास स्वविवेकी शक्ति है। राज्यपाल जो कार्य स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा आरती जी, राज्यपाल जो कार्य स्वविवेकी शक्ति के अंतर्गत नहीं करता है उसके वो सभी कार्य वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और राज्यपाल अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग किस कार्यों के लिए करेगा यह उसका स्वविवेकी अधिकार होगा, उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है आरती जी, अनुच्छेद 163 में यह बात लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताएंगे क्या मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां। मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, इनका पहला पार मंत्री परिषद के संबंध में, दूसरा राज्यपाल के संबंध में और तीसरा राज्य विधानमंडल के संबंध में। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि इनके कौन कौन से कार्य मंत्रिपरिषद के संबंध में होते हैं। पहला कार्य इनका मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या होगा, जो प्रधानमंत्री को होता था, पहला कार्य करेगा मंत्रिपरिषद का गठन करेगा। ये पहला कार्य है। दूसरा कार्य क्या करेगा, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करेगा। तीसरा क्या करेगा, उन मंत्रियों के बीच विभागों का फेरबदल करेगा। तीसरा कार्य क्या है, विभागों का बंटवारा तो हो चुका है, फेरबदल करेगा ना, माफी चाहेंगे, विभागों का
फेर बदल करेगा। और क्या करेगा? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री अपना अपना त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। उसके अलावा किसी भी मंत्री के कार्य से असंतुष्ट होने पर त्यागपत्र मांग सकता है। त्यागपत्र मांग सकता है। इतने कार्य इनके मंत्रिपरिषद के संबंध में सेम यही प्रधानमंत्री के थे, अंतर किसी बात का नहीं था। सेम यही कार्य आपका किसके संबंध में था? सेम यही कार्य आपको मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री का भी था। सेम वही रिपीट है। लेकिन मैं अगर ये बोल देता कि जैसे ये था ऐसे नोट कर लीजिएगा, तब आप लोग बोलते कि सर आपने छोड़ दिया इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। सर अगर जिसको ये लगे कि यह अपना बहुमत साबित कर देगा, अभिषेक मिश्रे राज्यपाल की नजर में जिसे ये लगे बहुमत, तो अपना साबित करना पड़ेगा। जो बहुमत साबित कर दे, नहीं नेशनल इमरजेंसी में तो राज्य की शक्तियां केवल केंद्र में जाती हैं, तब भी न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है फिर भी किसी भी प्रकार की शक्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायालय की शक्ति में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव केवल विधा ही पड़ता है ना, केवल कानून बनाने की शक्तियां केंद्र में चली जाएगी, प्रशासन उनके नियंत्रण में चलेगा, लेकिन न्यायिक कार्य राज्य का उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है आशीष जी। राज्यपाल के संबंध में इनके केवल दो कार्य होंगे, मतलब मुख्यमंत्री जैसे कि अन्न मंत्री वित्त आयोग के अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, इन सब के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में क्या करता है? राज्यपाल को सलाह देता है। कौन? मुख्यमंत्री। इसलिए इनकी यह राज्यपाल के संबंध में शक्तियां हैं। दूसरा कार्य, मुख्यमंत्री राज्य से संबंधित विधायी एवं प्रशासनिक सूचनाओं से राज्यपाल को अवगत कराता है। राज्यपाल को क्या करता है? अवगत कराता है। ठीक है। और राज्य विधानमंडल के संबंध में क्या इनके कार्य होंगे? राज्य विधानमंडल के संबंध में इनके केवल दो कार्य होंगे। पहला कि यह राज्यपाल से कहकर विधानसभा का विघटन करा सकता है। कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर विधानसभा का विघटन करा सकता है, विधानसभा के सत्र का सत्रावसान करा सकता है और सत्र को आहूत कर सकता है, सत्र को
आहूत यानी कि बुला सकता है, ये सारे इनके कार्य होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर सिर्फ तुलना थी, चाहते तो इसको हम लेक्चर बता देते, इसको आप खुद नोट कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा अविश्वास लगता है आपको कि पता नहीं क्या था सर ने छोड़ दिया, इसलिए मुझे पूरा सब लिखना पड़ा इसको फिर से। अब आपको इसके बाद सीधा महाधिवक्ता बताएंगे, और महाधिवक्ता की तुलना किससे होगी, महान्यायवादी से होगी। इसके बाद अब राज्य की कार्यपालिका में सबसे अंतिम टॉपिक आपका है महाअधिवक्ता। महाअधिवक्ता और महाधिवक्ता में उन्हीं बातों को जानेंगे जो आपने महान्यायवादी में जाना। सबसे पहले उसमें क्या जाना था कि सर नियुक्ति कौन करता, सबसे पहले आपने यह बताया था। नियुक्ति के बाद क्या जाना था, आपने महान्यायवादी की उपाधि बताई थी। उसके बाद क्या बताया था, आपने महान्यायवादी की योग्यता बताई थी। योग्यता के बाद क्या बताया था, आपने कार्यकाल बताया था। कार्यकाल के बाद क्या बताया था, वेतन बताया था। वेतन के बाद बताया था क्या बताया था, त्यागपत्र बताया था, त्यागपत्र। और यही सेम चीज़ें आपको महाधिवक्ता में भी पढ़ना है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस फर्क कितना है, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत हुई थी, और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और महान्यायवादी की नियुक्ति किसने किया था, राष्ट्रपति करे था किया था। और महान्यायवादी क्या था, देश का प्रथम विधि अधिकारी था, जबकि महाधिवक्ता क्या होगा, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होगा। क्या होगा, इसकी उपाधि है यह राज्य का प्रथम प्रथम विधि अधिकारी होगा, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होगा। ठीक है, तो ये नियुक्ति राज्यपाल की हो गई, ये उपाधि हो गई। अब बात करते हैं इनकी योग्यता की, इनकी योग्यता की। योग्यता महान्यायवादी की क्या थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, और महाधिवक्ता की योग्यता क्या होगी, उच्च न्यायालय की, उच्च न्यायालय की, न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की योग्यता। अनुच्छेद का भी अंतर है, जब आपने महान्यायवादी पढ़ा, जब आपने महान्यायवादी पढ़ा तो महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 में रखा गया है। 76 के तहत नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद नोट कर लीजिए, अनुच्छेद ये पूछा जाएगा 165 के तहत की जाएगी। कौन करेगा, राज्यपाल, किसकी सलाह से, राज्य के मंत्री परिषद की सलाह से, राज्य के मंत्री परिषद के सलाह से। इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल निश्चित नहीं है, इनका भी कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्यों, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्योंकि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, पद धारण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और सामान्यतः कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है, सामान्यतः कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। और बात यदि वेतन की जाए तो इनका वेतन निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेतन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि इनको एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा, सेम महान्यायवादी की तरह एक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा,
पारिश्रमिक दिया जाएगा, पारिश्रमिक दिया जाएगा जिसका निर्धारण कौन करेगा, जिसका निर्धारण करेगा राज्यों का राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यों का राज्यपाल करेगा। त्यागपत्र किसको देता है अपने कार्यकाल के समय? राज्यपाल को जब चाहे, राज्यपाल को जब चाहे त्यागपत्र देकर ये अपने पद से मुक्त हो सकता है। सारे प्री के क्वेश्चन नहीं है, एकदम सेम चीज़ें रिपीट हैं महान्यायवादी की तरह। बस अंतर ये हो गया, वह केंद्र के संबंध में था, ये राज्य के संबंध में हो गया। बस अंतर यह है कि अनुच्छेद 76 में था, ये 165 में हो गया। बस अंतर यह था कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता था और इसकी राज्यपाल कर रहा है। इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ महाधिवक्ता की कार्य एवं विशेषाधिकार। कह रहे हैं प्रमोद कुमार राय जी ने कमेंट किया है कि सर राज्य विधानमंडल और विधान परिषद क्या है, हम इसको समझ ही नहीं पाते कि राज्य विधानमंडल क्या होता है और विधान परिषद क्या होती है। तो मैं अभी जब विधायिका पढ़ाऊंगा इसके बाद संसद ही स्टार्ट करूंगा, तो संसद जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि राज्य विधानमंडल क्या होता है, विधान तो आगे की चीज़ है ना। हाँ नहीं, राज्य की संचित निधि से, जब राज्य का मामला इतना तो कॉमन सेंस सब लगा ही ले जाएंगे आरती जी। नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है, वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है, तो ये राज्य के लिए काम कर रहा है, वो देश केंद्र के लिए काम कर रहा है, तो वेतन तो राज्य से ही मिलेगा ना। तो वेतन भारत की संचित निधि से नहीं बल्कि राज्य की संचित निधि से मिलेगा आरती जी। अब यही तो कॉमन सेंस लगाना था आप लोगों को, इसलिए हमको पता था ये कॉमन सेंस नहीं लग पाएगा, इसलिए तो मुझे फिर से दोहरा के ये लिखना पड़ा। अब देखिए महाधिवक्ता के कार्य एवं विशेषाधिकार। महाधिवक्ता के कार्य एवं विशेषाधिकार। कार्य क्या होगा? जो महान्यायवादी का देश के संबंध में था, इनका राज्य के संबंध में था कार्य, और दूसरा विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का अलग कार्य क्या है इनका? राज्य के विभिन्न न्यायालयों में, विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखना, राज्य सरकार का पक्ष रखना राज्य सरकार के द्वारा मांगे जाने पर कोई कानूनी सलाह देना, राज्य सरकार के द्वारा मांगे जाने पर कोई कानूनी सलाह देना, कोई कानूनी सलाह देना, राज्य सरकार के द्वारा मांगे जाने पर कोई सलाह कानूनी सलाह देना, राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना, राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य करना, कोई अन्य कार्य करना, कोई अन्य कार्य करना, राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य
करना, ये इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। विशेषाधिकार क्या है? राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राज्य की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, राज्य की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता। उसी प्रकार से राज्य की समितियों का सदस्य भी बन सकता है, राज्य की समितियों का सदस्य भी बन सकता है। ठीक, तो ये हैं इनके कार्य। निखिल प्रजापति का देखिए भाई, हर राज्यों का अलग अलग होगा, गूगल कर लीजिए उसका। सुमन जी मौर्य जी, तो इस प्रकार से कार्यपालिका आपकी समाप्त हो गई। और कार्यपालिका में मैंने क्या क्या पढ़ाया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री परिषद, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाअधिवक्ता। अब हम लोग पढ़ेंगे संसद, यानी विधायिका पढ़ेंगे। और विधायिका में क्या क्या पढ़ाऊंगा, इसमें तो बड़ा टॉपिक है बहुत सारे। फिलहाल कहने के लिए चार टॉपिक मुख्य माने जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए अगली हेडिंग बनाइए आप, विधायिका। जो भैया अभी कह रहे थे हमें राज्य विधान मंडल नहीं समझ में आता, विधान परिषद नहीं आता, अभी समझ में आएगा आपको। विधायिका को इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेचर। विधायिका को इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेचर। और विधायिका को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है, एक केंद्र की विधायिका, एक राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका, दूसरा है आपका राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, केंद्र को विधायिका को संसद कहते हैं, और राज्य की जो विधायिका होती है उसे ही कहा जाता है राज्य विधानमंडल, उसे ही कहा जाता है राज्य विधानमंडल। इस विधायिका का मुख्य कार्य क्या होता है? कानून बनाना। क्या होता है? कानून बनाना इसका मुख्य कार्य होता है। जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है उसे संसद कहा जाता है, जो किसी राज्य के लिए कानून बनाती है उसे राज्य विधानमंडल कहा जाता है।
लेकिन संसद का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। और 79 क्या कहता है, संसद का गठन किससे किससे मिलकर बनेगा, संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा से मिलकर होगा। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। अब राष्ट्रपति आपने पढ़ लिया है, लोकसभा और राज्यसभा यहां पढ़ना है। पहला सवाल प्री में यही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन संसद में शामिल है, कौन संसद में नहीं शामिल है। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। और यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। ठीक, राज्य विधान मंडल का उल्लेख जो होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया है। आर्टिकल नोट कर लीजिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 168 में किया गया है। और राज्य विधान मंडल एक सदनी भी हो सकती है और दो सदनी, ध्यान से देखिएगा, किसका नाम था, प्रमोद कुमार राय शायद आपका, एक सदनी भी हो सकता है और दो सदनी भी, एक सदनी भी हो सकता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिकैमरल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिकैमरल, और द्विसदनी भी हो सकता है बाइकैमरल, द्विसदनी भी हो सकता है जिसे कहा जाता है बाई कैमरल। ठीक, अगर ये एक सदनी राज्य विधानमंडल होगा तो इसका निर्माण केवल और केवल राज्यपाल एवं विधानसभा से मिलकर हो जाएगा, विधान सभा से होकर होगा, मिलकर होगा। अगर द्विसदनी राज्य विधानमंडल है तो वहां पर राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से होगा, एवं विधान परिषद से मिलकर होगा, एवं विधान परिषद से मिलकर के होगा। जिस बच्चे का डाउट था कि सर राज्य विधान मंडल और राज्य और विधान परिषद में क्या होगा, तो जैसे केंद्र में ये राज्यसभा है ना द्वितीय सदन के रूप में, वैसे ही वहां पर विधान परिषद है। जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होती है दूसरे सदन के रूप में, वैसे ही राज्यों में विधान परिषदें होती हैं। और राज्य विधानमंडल क्या है, जिस प्रकार से केंद्र में कानून बनाने का काम संसद करती है, उसी प्रकार से राज्यों में कानून बनाने का काम राज्य विधानमंडल करता है। जिस प्रकार से संसद के भीतर लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के भीतर दो सदन, विधानसभा और विधान परिषद शामिल है। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषदें मौजूद हों ये जरूरी नहीं है। वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। क्या वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, विधान परिषदें हैं। कौन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, दूसरा बिहार, नोट कर लीजिए इसे, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक,
पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा तेलंगाना। इन छह राज्यों में ही विधान परिषदें मौजूद हैं। कैसे होता है विधान परिषद का गठन, कैसे किया जाता है विधान परिषद समाप्त, क्या समान है ये राज्यसभा से, कितना अलग है, ये जब मैं विधान परिषद पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा। अभी मैंने संसद स्टार्ट नहीं किया है, केवल संसद की पृष्ठभूमि और इसका फ्लो चार्ट मैंने दिखाया है कि संसद में क्या क्या कैसे पढ़ना है, ये है इसका बेसिक तरीका। समझ में आ गया, कमेंट करके बताइए, तब हम स्टार्ट करते हैं संसद यानी लोकसभा। चलिए, तो हम लोगों ने इसको अभी फ्लो चार्ट बनाया है, कुछ समझाया नहीं, प्रसार मत होइए। ये हमने कहा कि संसद है, संसद को जैसे मैंने पहले पार्ट में बांटा था, ये लोकसभा हो गया, ये राज्यसभा हो गया। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। 79 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का गठन किया जाएगा। क्या 79 के तहत संसद का जो गठन होगा वह राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। यह सब ध्यान दीजिएगा, यह प्री का सवाल बनेगा। राष्ट्रपति जो है वह संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो सवाल यह उठता है, जब राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है तो इसे अंग क्यों बना दिया गया? सर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना। कानून कैसे बनता है? किसी भी विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाता है, पारित करने के पश्चात उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति उस पर जब हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। इसका मतलब बगैर राष्ट्रपति के कानून की बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसे संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा,
अब हमें को जानना है कि लोकसभा को क्या कहते हैं। लोकसभा को कहा जाता है अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन, निम्न सदन। लोकसभा को कहा जाता है प्रथम सदन, प्रथम सदन। लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन। लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन। किताबों में अलग अलग पढ़ते हैं, आज कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं आपको। लोकप्रिय सदन। और राज्यसभा को कहा जाता है अस्थाई सदन, अस्थाई सदन। और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीय सदन, राज्यसभा को कहा जाता है राज्यों का सदन, और सबसे लास्ट में है राज्यसभा को कहते हैं संघी सदन। ठीक, अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा की नामकरण क्यों पड़ा है, एक कारण रटिए मत, समझिए। लोकसभा को अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, और राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यह है प्रकृति के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा, प्रकृति के आधार पर, मतलब आधार पर। इनकी प्रकृति क्या है? लोकसभा का प्रत्येक 5 वर्ष में या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले, या आवश्यकता पड़ने पर उससे पहले विघटित किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। इसलिए, इसलिए विघटित किया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अस्थाई सदन कहते हैं, क्योंकि लोकसभा का विघटन हो सकता है। और राज्यसभा को अस्थाई सदन, अस्थाई सदन कहा जाता है, और इसे अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1952 में इसका गठन हुआ, 1952 में इसका गठन हुआ, ये तब से अनवरत कार्य कर रही है, तब से अनवरत कार्य कर रही है, तब से अनवरत कार्य कर रही है। और राज्यसभा को ना तो विघटित किया जा सकता है, ना ही समापन, समाप्त। राज्यसभा को ना तो विघटित किया जा सकता है, किया जा सकता है, सकता है, और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है, ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है, ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है, ना ही इसे विघटित किया जा सकता है, और ना ही इसे समाप्त किया जा सकता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसे अस्थाई, और इसका विघटन हो सकता है, इसलिए इसे अस्थाई। तो इसे निम्न सदन क्यों कहते हैं, इसे उच्च सदन क्यों कहते हैं, इसे निम्न सदन क्यों कहते हैं, इसे उच्च सदन क्यों कहते हैं, ये रीजन क्या है? योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर। जरा आप तर्क देके समझाइए सर, ऐसी कौन सी योग्यता राज्यसभा में आ जाती है कि योग्यता के आधार पर राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया जबकि हम लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। जब आपको मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो राष्ट्रपति में एक आर्टिकल पढ़ाया अनुच्छेद 80, वहां आपको बताया गया था कि अनुच्छेद 80 में भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, 12 सदस्यों का मनोनयन करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। जो क्या? जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। समझ में आया? इसलिए योग्यता के आधार पर इसे क्या माना गया है? सब उच्च सदन, और इसे निम्न, क्योंकि योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है।
सर एक विरोधाभास हमें और लग रहा है, ये निम्न है तो प्रथम क्यों है और ये उच्च है तो द्वितीय क्यों है? यानी कि लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है, इसका आधार क्या है? इसके प्रथम सदन कहे जाने के लिए, इसके द्वितीय सदन कहे जाने के लिए क्या आधार होगा? इसके प्रथम और द्वितीय सदन कहे जाने के लिए आधार क्या होगा, ये आधार बताना होगा आपको। और इसका मुख्य आधार फ्रेंड्स ये होगा, क्योंकि शक्ति के आधार पर राज्यसभा की तुलना में लोकसभा की शक्तियां ज्यादा व्यापक हैं, इसलिए इसे प्रथम सदन कहा गया और इसे क्या कहा गया, द्वितीय सदन। दूसरा बोर्ड लग रहा है। चले तो उसके पश्चात फ्रेंड ध्यान रखिए, यह प्रथम सदन हो गया, यह द्वितीय सदन हो गया। फिर एक सवाल उठता है कि शक्ति के आधार पर अगर लोकसभा उच्च सदन है तो मुझे तर्क देके बताइए कहां पर ऐसी शक्ति है। नहीं तो क्या कहां पर ऐसी शक्ति है? धन विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा की शक्तियां ज्यादा दिख रही है ना। संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, पढ़ाया गया है 75 क्लॉज 3। संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए लोकसभा की शक्तियां ज्यादा दिखती हैं। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव ये सब लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। धन विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। फर्स्ट टाइप के वित्त विधेयक को भी लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। इस वजह से शक्तियों के मामले में लोकसभा की शक्तियां ज्यादा व्यापक हैं तुलनात्मक रूप से राज्यसभा के, इसलिए लोकसभा को क्या कहा गया, प्रथम सदन। जनता के सदन क्यों कहा गया और लोकप्रिय सदन क्यों कहा गया? क्योंकि लोकसभा का चुनाव जो होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या? लोकसभा का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है और जनता की रुचि भी इसमें होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, जनता का सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। किताबों में सिर्फ शब्द दिया गया है, उसका रीजन नहीं दिया गया है। जब रीजन को समझ के तथ्य पे जाएंगे तो चीजों को समझना और उसके आगे चलना आसान हो जाता है। 312 और 249 ललिता जी। और इसे राज्यों का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे राज्य की भी अस्तित्व बना रहता है और राज्य का भी ढांचा बना रहे केंद्र का, इसलिए इसे संघीय सदन भी कहा जाता है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के कारण इसे राज्यों का सदन कहा जाता है। तो आज मैंने आपको सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के नाम से परिचित कराया और लोकसभा और राज्यसभा के नाम से परिचित कराने के बाद इनके जो नामकरण है उसके पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है, वो मैंने आपको समझाया। तो जरा कमेंट करके बताइए यहां तक की कहानी समझ में आ गई। सारे लोग कमेंट करिए और बताइए यहां तक की कहानी समझ में आ गई। क्लास का टाइमिंग 2 से 3:30 होता है, लेकिन आज 2 से 3 ही रहेगा, 1 घंटे की क्लास रहेगी आज। चलिए एक एक शब्द समझ में आ गया। क्रांति कुशवाहा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, कुछ आयामों को आज देखेंगे, क्योंकि 10 मिनट की क्लास और होगी और इसका कल विस्तार से बहुत तुलनात्मक रूप से हम लोग देखेंगे। तो हमें अब लोकसभा एक तरफ लिख लेना है और राज्यसभा एक तरफ लिख लेना है।
और आधार अलग बना लेना है। और इस क्रम में पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गठन की ही, कि लोकसभा और राज्यसभा का गठन कब हुआ। सबसे पहली बात, तो अगर गठन की बात करें तो लोकसभा का भी गठन प्रीलिम्स में आपके कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, 1952 में हुआ। और राज्यसभा का भी गठन 1952 में हुआ। उसके पश्चात सदन का कार्यकाल देख लेते हैं दोनों का। सदन का कार्यकाल अगर सदन का कार्यकाल की बात करें, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह सामान्यतः 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। लेकिन इससे पहले भी, लेकिन इससे पहले भी इसे विघटित किया जा सकता है, इसे विघटित किया जा सकता है। और 1952 की अगर बात करें तो राज्यसभा का गठन हुआ। लेकिन अगर सदन के कार्यकाल की बात करें तो कई बार आप लोग को ऑप्शन दे दिया जाता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो कोई बहुत सारे बच्चे 6 वर्ष लगा देते हैं। जब भी राज्यसभा के सदन का कार्यकाल पूछा जाए तो आंसर दीजिएगा, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह एक अस्थाई सदन है और अस्थाई सदन होने के नाते यह अनवरत कार्य करती है, यानी लगातार कार्य करती है। तो इसका मतलब जो राज्यसभा का एक बार सदस्य बन गया, जीवन भर सदस्य बना रहेगा इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में व्यवस्था ये की गई है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर्ड हो जाते हैं। और हर 2 वर्ष के बाद इतने ही सदस्य चुनकर फिर से आ जाते हैं, इतने ही सदस्य चुनकर फिर से आ जाते हैं। तो दो तुलना हम लोगों ने सबसे पहले किया, गठन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की तुलना, उसके बाद सदन के कार्यकाल के सदस्य के संबंध में। अब सदस्यों का कार्यकाल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल सदस्यों का सदस्यों का कार्यकाल तो एक तरफ लोकसभा को देख लेते हैं और एक तरफ राज्यसभा को देख लेते हैं। सदस्यों का कार्यकाल दोनों का होगा, सदन का केवल लोकसभा का होगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा, सामान्यतः 5 वर्ष होगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः इनका कितना है? 6 वर्ष होगा, 6 वर्ष होगा। तो सदस्यों का कार्यकाल होगा लेकिन सदन का राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होगा। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए
राज्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल पूछा जाए, सॉरी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो 6 वर्ष होगा, लेकिन केवल राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होगा क्योंकि वह स्थायी सदन है। हाँ, इलाहाबाद में प्रयागराज शाखा में एक ऑफलाइन बैच आरओ का हाइब्रिड बैच ज्वाइन होगा, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। हाँ, वो शायद होगा, वो इंक्वायरी ले लीजिएगा वहाँ जाकर, कुछ टाइमिंग हो, टाइमिंग अभी हमको कंफर्म नहीं है। तो ये सदन का कार्यकाल हो गया, सदस्यों का कार्यकाल हो गया। अब देख लेते हैं क्या अगला पॉइंट कि प्रतिनिधित्व, अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो लोकसभा का प्रतिनिधित्व सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है, सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है। सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है, लेकिन राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सभी राज्यों में तो है, सभी राज्यों में है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात किया जाए, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका प्रतिनिधित्व मिलेगा। एक मिलेगा दिल्ली में, एक मिलेगा पुदुचेरी में, और एक अब हो गया आपका जम्मू और कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में, और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको इनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या लोकसभा का प्रतिनिधित्व भारत के, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गहरे क्वेश्चन है, यहाँ पे लोग 90% गलत कर देते हैं कि क्या लोकसभा का प्रतिनिधित्व भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में है, आंसर है यस। क्या राज्यसभा का भी, राज्यसभा का सभी राज्यों में प्रतिनिधित्व है लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं होगा। अब इसके बाद क्या जानना होगा, योग्यता, फिर क्या जानना होगा, निर्योग्यता यानी कि अयोग्यता, फिर यहीं पर आपको दल बदल कानून भी पढ़ने को मिलेगा कि दल बदल कानून कैसे होता है और कोई भी संसद का सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य कैसे माना जाता है, ये देखेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से निर्वाचन फिर कैसे होगा, किसका प्रत्यक्ष होगा, किसका अप्रत्यक्ष होगा, और दोनों की तुलना हो जाएगी। दोनों की तुलना के बाद फिर हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, सदन के पीठासीन अधिकारी। सदन के पीठासीन अधिकारी में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो अध्यक्ष में अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष का कार्यकाल, अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया और अध्यक्ष की शक्तियां, उसके बाद उपाध्यक्ष को, उसके बाद राज्यसभा का सभापति यानी भारत का उपराष्ट्रपति जिसे आप पढ़ चुके हैं, और उसके बाद उपसभापति। तो कहने के लिए केवल 2 शब्द हैं संसद में, केवल लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन यहां पढ़ेंगे बहुत कुछ। सदन के पीठासीन अधिकारी, फिर पढ़ेंगे संसद के सत्र, सदन के सत्र, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के संसदीय समितियां, सदन का नेता, विपक्ष का नेता, लोकसभा के विघटन पर, विधेयकों पर पड़ने वाले प्रभाव, संसद के सदस्यों का व्यक्तिगत विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार, इतने सेगमेंट पढ़ेंगे तब केवल संसद समाप्त होगा। फिर आप चलेंगे राज्य विधानमंडल में, तब वहां विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे। लद्दाख में नहीं, लद्दाख जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो तो गया ना, उसी के साथ ही तो है वो, उनको 1 सीटें मिली है। जम्मू कश्मीर के जो दोनों भाग बटा है, जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसी में तो लद्दाख को भी 1 सीटें मिली, तो उसी के अंदर ये भी शामिल है। तो जबकि पहले केवल ये दिल्ली और पुदुचेरी में ही राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हुआ था। ठीक, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और आपका टॉपिक मिस मत करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसलिए बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहा हूँ, स्लोली स्लोली पढ़ा रहा हूँ कि एक एक बिंदु, एक एक शब्द आपको समझ में आए। संसद आसानी से समझ में आता नहीं लोगों को, लेकिन मैं चाहूंगा जितने आसानी से आप कार्यपालिका को पढ़े हैं
वैसे ही आप संसद को भी पढ़ें, ठीक है? थैंक यू। 5 बजे वाली, हाँ आ जाऊंगा, 5 बजे वाली क्लास रहेगी। थैंक यू।